देख सकते हैं मैंने अभी अपना फेस वॉश करके आई हूँ। अब बस अब फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, एक टमाटर, गुलाब जल और थोड़ी सी हल्दी। चलो बनाते हैं हम अपना फेस पैक। सबसे पहले हम ये टमाटर को थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ से ही पिंच करेंगे, या आप चाहें तो चाकू से भी कर सकिए। देखो मैंने बस हाथ से ऐसे किया। अब मैं इसको ऐसे डालूँगी, ये देखो। अब मैं इसमें ये इतनी सी हल्दी डालूंगी और ये गुलाब जल। अब मैं इस सबको मिक्स कर लूंगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया होगा मेरी ऑयली स्किन है, तो बस मैं इसमें गुलाब जल और टमाटर डाल रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो हल्दी जो होती है ना, तो आप ये देख रहे होंगे मेरे अभी दो पिंपल्स हुए हैं, तो हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, जो कि हमारे पिंपल्स में या फुंसी वगैरह में बहुत अच्छी होती है। तो बस अब मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। हमें इस फेस पैक को ऊपर की ओर इस तरह करना है। देख सकते हैं मैंने अपने इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। ये देखो गर्दन में यूज किया। आप याद रखें, आपको ये आँखों के ऊपर और आँखों के नीचे नहीं लगाना है। और ये जो है ना, इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है ना, क्योंकि थोड़ा सा देखो इस तरीके से, ये देखो इतना पतला रखना है बस। अब हम इसे ऐसे ही 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद ये सूख जाएगा, तो हम इसको थोड़ा रफ़ करके, मतलब थोड़ा रगड़ रगड़ के, थोड़ा सा हल्के हाथों से पहले गीला करेंगे। सूख जाने के बाद पहले इसको गीला करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा रफ़ करके अपने फेस से निकाल देंगे। चलो सूखने देते हैं। ओके, हाँ मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। और आप लोग याद रखें, आपको इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी बोलना नहीं है। मैंने तो जस्ट अभी लगाया है, तो ये पूरा गीला है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप इसको लगाने के बाद बोल जाते हैं ना, है ना, तो आपकी जो स्किन है ना वो खिंची खिंची हो जाएगी। तो बस इसलिए हमें इसको लगा के चुप ही रहना है। ये देखो बस, अब चलो सूखने देते हैं हम इसको। तो मैंने इसे गीला कर लिया है, बस अब हम हाथों से ऐसे इसे रफ करेंगे। याद रखें, इसे सूखा ही रब नहीं करना है। सूख जाने के बाद हमें इसे पानी से दोबारा से गीला कर लेना है। अब हम ये अपनी आंखों के ऊपर अब हम इसको 1 से 2 मिनट अपने फेस पे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। देखते हैं फेस कितना। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस फेस पैक को यूज करने से स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना, एकदम बच्चों की तरह ही। आप देख सकते हैं स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ग्लोइंग भी हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरा फेस है ना। तो बस अब हम इसको फेस पैक को लगाने के बाद, क्योंकि फेस पैक लगा, आप कोई भी फेस पैक लगाते हो हमेशा याद रखो उसके बाद फेस पे टोनर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं बस ये गुलाब जल ही यूज कर रही हूँ, बस ऐसे किया। थोड़ा डैब डैब करना चाहिए।
इसको गुलाब जल को लगाने के बाद हम ये एलोवेरा लगा लेंगे बस। अब हम इसके ऊपर अपना कोई भी मेकअप कर सकते हैं। हम इससे थोड़ी सी मसाज करेंगे, हमें अपनी गर्दन पे भी लगाना है क्योंकि अभी अभी है बस हमने। अब हम बस, मैं आपको बता दूं, आप इसको अपने, आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लोइंग हो गया है, ये देखो। तो बस अब इसके ऊपर हम कोई भी अपना मेकअप कर लेंगे जो हमें मेकअप करना होता है बस। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय।